1399th एपिसोड ऑफ नागपुर्स मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात बी सॉर्टेड के साथ। रियली वांट टू थैंक बी सॉर्टेड, रियली वांट टू थैंक सेंट्रल इंडिया की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट मिसेस सोनल फुके मैम का। आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं, ये विषय जो है ये कहानियों से जुड़ा हुआ है, द आर्ट एंड साइंस ऑफ स्टोरी टेलिंग। कहते हैं कि कोई भी कहानी जब किसी को सुनाई जाए तो उसमें कुछ ऐसे किरदार, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसा ज्ञान, कुछ ऐसा संज्ञान होना चाहिए जिसके बाद वो कहानी जो है वो इंटरेस्टिंग हो और याद भी रहे। क्या वाकई में कहानियों से लोगों की जिंदगियां बदलती हैं? क्या कहानी सुनने के बाद वाकई में लोग प्रेरणा लेते हैं? क्या वाकई में कहानियां लोगों की किस्मतें बदलती है? बात करने के लिए आज हमारे साथ है मिसेस सोनल फुके मैम। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो मैम ऐसी कहानी लोग हमको सुनाया करते थे जब हम छोटे थे, लेकिन मैम ये मजाक था। लेकिन मैम मुझे ऐसा लगता है कि दादी माँ की कहानियां, नानी माँ की कहानियां, उनका जो असर रहा है वो बड़ा अलग रहा है। The art and science of storytelling. इस पर मैम, what's your first view of it? My first view obviously is that storytelling is an art, mm-hmm. and there is a lot of science behind it. Mm-hmm. और हमारे दादी माँ और हमारे नानी को भले ही वो नहीं पता था कि इसमें आर्ट क्या है और इसमें साइंस क्या है, लेकिन उस जमाने में और उन लोगों में शायद एम्पथी बहुत ज्यादा हुआ करती थी और उनके पास वक्त भी अच्छा हुआ करता था जी। और टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं थी शायद, इसलिए उनकी जो कहानियां थी वो बहुत रूट्स से जुड़ी हुई थी और हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई थी जी। और जो बच्चों को वो कहानियां बताती थी वो बच्चे बहुत जल्दी रिलेट कर लेते थे वो कहानियों के साथ जी। और उनका जो भी ब्रिंगिंग अप का जो एक तरीका होता था वो ये होता था कि दादी और नानी तो डांटते वगैरह है नहीं, वो सिर्फ कहानियां सुनाते हैं, लेकिन वो कहानियां सुनाने के पीछे देयर इज अ लॉट ऑफ टीचिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ बिहेवियर दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम चिल्ड्रन। और उसमें वो बहुत एक सटल तरीके से, बिना ऐसे बहुत प्रीची हुए, बिना बहुत ऐसे अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग करते हुए, बहुत ही आसान तरीके से जो वैल्यूज उनको अपने बच्चों में इंस्टिल करने होते थे वो बहुत आसानी से वो कर देते थे जी। और यही एक तरीका होता था और मुझे ऐसा लगता है कि उसका रेलेवेंस आज भी उतना ही है, बल्कि मैं ये बोलूंगी कि आज उसका रेलेवेंस और ज्यादा है। और आज हमने ये भी सोचना चाहिए कि सिर्फ दादी नानी ही नहीं मगर पेरेंट्स ने भी बच्चों को कहानियां बतानी चाहिए, और इसलिए बतानी चाहिए क्योंकि जैसे जैसे हमारा वर्ल्ड आगे जा रहा है जी, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि लोगों में इमोशनल इंटेलिजेंस कम होता जा रहा है। लास्ट वीक हमने बहुत इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी जी। तो उसमें का जो एक एम्पथी का जो एक एस्पेक्ट है वो एम्पथी का एस्पेक्ट कम होता ही जा रहा है, तो उसको रिफ्रेश करने के लिए, उसमें फिर से जान डालने के लिए ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को ये बहुत ही कम उम्र में जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी उनको कहानियां बतानी चाहिए, क्योंकि उससे उनका इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होता है और बहुत जल्दी होना शुरू होता है, तो वो जिस तरीके से फिर दुनिया को देखते हैं, बड़े लोगों को देखते हैं, उसमें वो कहानियों का असर होता है। पर मैम ये इमोशनल डेवलपमेंट के लिए स्टोरी टेलिंग किस तरह प्रभावित करती है? जो स्टोरीज होती हैं और या हमने जो स्टोरीज चुननी चाहिए बच्चों के लिए, उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैरेक्टर्स के खुद के अपने इमोशंस होते हैं जी। वो कभी फियर फेस करते हैं, वो कभी एंजाइटी फेस करते हैं, कभी वो सैड हो जाते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सैड हो जाते हैं, कभी वो बहुत खुश हो जाते हैं जी, ऐसे कभी उनमें बहुत गुस्सा आ जाता है, तो ये जो सारा स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशंस है वो हम कितने इजीली बच्चों को वो हम स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशंस दिखा सकते हैं, विच एक्चुअली लीड्स देम टू देयर ओन इमोशनल स्पेक्ट्रम।
और वो कहानियों को हमारे डे टू डे लाइफ के साथ इतनी सरलता के साथ वो रिलेट करते हैं। मुझे याद है, बहुत पुरानी बात है, जब मेरा बेटा बहुत छोटा था जी, दो तीन साल का होगा, तो उसको मैं कहानी बताती थी जिसमें वो राजा है और उसकी दो रानियां हैं और उसमें से एक रानी बहुत जेंटल है, बहुत अच्छी है, बहुत कंपैशनेट है, बहुत काइंड है, और जो दूसरी रानी है वो उसको बहुत गुस्सा आता है, वो बहुत जेलस होती है, मतलब जो भी निगेटिव इमोशंस जिसको हम बोलते हैं, और वो उसको, वो बेटा जो है वो उसका बेटा नहीं है, वो सौतेली माँ है, तो वो जो मतलब जब उसको गुस्सा आता है तब वो बच्चे को ऐसा खींच के उतारती है नीचे, तो वो बच्चा गिर जाता है। तो ये कहानी मैंने उसको बताई थी और बहुत अच्छे तरीके से बताई थी। और ऐसा कुछ हुआ जब हमको कहीं जाना था बाहर और उसको मैंने उतारने की कोशिश की सोफा से, तो वो थोड़ा सा मेरे हाथ से उसको मतलब झटका लगा, वो गिरा नीचे। तुरंत उसने मुझे बोला कि तुम वो अच्छी वाली माँ नहीं हो, तुम वो बुरी वाली माँ हो। अरे तो मतलब हम जो कहानियां बच्चों को बताते हैं उसका जो तुरंत इमीडिएट उसका जो प्रैक्टिकल लाइफ का जो एप्लीकेशन वो करते हैं जी, वो इतना ज्यादा चौंकाने वाला होता है जी। और कुछ कुछ कहानियों का वो खुद भी जो इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो इंटरप्रिटेशन हमारे इमेजिनेशन के बियॉन्ड होता है। वो ऐसा इंटरप्रिटेशन करते हैं जिसके बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं है जी। जैसे वो श्रावण की कहानी बच्चों को बता रहे हैं कि वो अपने बूढ़े माँ बाप को उसको ले जाना है तीर्थ यात्रा पर जी, तो उसमें बच्चों का रिएक्शन ये होता है कि उसके माँ बाप इतने बूढ़े कैसे हो गए, क्योंकि वो तो छोटा बच्चा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो उसमें बहुत लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं जी, जी। और दूसरा ये है कि ये जो सारे इमोशंस जो मतलब माँ बाप की सेवा करना, तो वो जो एक सर्विस कंपैशन, और किसी को कोई नहीं कर पा रहा है उसको हेल्प करना, ये जो सारी इमोशंस है, ये जो सारी चीजें हैं, ये हम बहुत ही अच्छे से उनको ये बता सकते हैं थ्रू स्टोरीज। और इससे भी ऊपर एक और चीज है कि 2 साल के बच्चों को और 1 साल के बच्चों से जी, नहीं तो हम बात क्या करेंगे, हम क्या बात करेंगे जी। जब हम उनको कहानी बताते हैं तो वी एक्चुअली लुक इन टू देयर आईज, वी आर टेलिंग देम अ स्टोरी, वी आर मेकिंग देम गो थ्रू सर्टन इमोशंस। तो हमको उनके आंखों में ही हमको दिखता है कि ये बहुत सरप्राइज हो गए हैं। कभी हम एनिमल्स से रिलेटेड उनको कहानियां बताते हैं तो वो एनिमल्स से रिलेटेड जो उनके एक्सप्रेशंस होते हैं, वो डर गया, तो वो उसमें उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं और उनके साथ जो आई कॉन्टेक्ट होता है उसमें एक अलग ही लेवल का बॉन्डिंग होता है, जिसमें कुछ सिखाना नहीं है, जिसमें कोई जजमेंट नहीं है, जिसमें सिर्फ मजा ही मजा है। एंड दैट इज अ वेरी गुड वे टू कनेक्ट विथ योर लिटिल चिल्ड्रन। तो मुझे लगता है कि एंडलेसली उनको कहानियां बताते रहनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि उनको दिन में कहानी, ऐसा नहीं, उनको कोई भी चीज बताने के लिए, अगर आपको उनको ये भी सिखाना है कि अपने काम खुद करना क्यों जरूरी है, अगर ये भी आपको उनको सिखाना है तो आप उनको ये कहानी बनाकर बताइए। अगर आपको उनको क्लीनलीनेस बताना है तो क्लीनलीनेस से रिलेटेड एक स्टोरी आप उनको बताइए। अगर आपको ये रियलाइज हुआ कि बच्चे ने झूठ बोला है, आपको वो हैबिट चेंज करनी है, तो आप उसको ये नहीं बोलते हुए कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो इट बिकम्स वेरी प्रीची जी। लेकिन अगर आप उसको एक कहानी बताते हो कि एक बच्चा था और वो एक दिन अपने स्कूल से एक इरेजर लेके आया घर पे, तो उसकी मम्मी ने वो इरेजर देखा और उसको समझा कि इसका इरेजर नहीं है, उसने पूछा कि ये इरेजर तुमने कहां से लाया, तो पहली बार वो लेकर आया है तो उसको तो ये कोई एहसास नहीं है कि वो उसने सही किया है या गलत किया है या क्या किया है, तो वो बहुत इनोसेंटली ये बताता है कि मेरे बाजू में मेरा जो था बैठा था उसके पास ही रहता था, मुझे उसका सेंट बहुत अच्छा लगा, मैं उसको घर लेके आ गया। तो उसकी माँ ने उसको बोला कि अरे वाह, अच्छा किया तुमने, अच्छा किया, इसका सेंट कितना अच्छा है ना, बहुत अच्छा किया तुमने, कोई बात नहीं, अच्छी बात, तुम्हारे पास आ गया ना, तुमको अच्छा लगा ना, कोई बात नहीं। फिर कल को जाके वो कुछ और कंपास बॉक्स लेकर आता है, फिर उसकी माँ फिर से उसको कुछ नहीं बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है उसको ये चाहिए, तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं बोलती है उसको। फिर उसके बाद वो थोड़ा बड़ा होता है, 3-4 साल बाद साइकिल सीखता है, तो कहीं से वो साइकिल उठा के लेके आता है। तो ऐसा बढ़ते जाता है और फिर वो बड़ा हो जाता है और फिर वो एक दिन एक मर्डर करके आता है घर पे। अरे बाप, अब ये आप 3 साल के बच्चे को अगर कहानी सुना रहे हो, 4 साल के बच्चे को,
तो फिर उसकी माँ बोलती है कि अरे बाप रे, तो इसको जेल हो गई और अब उसको तो फांसी पे चढ़ाने वाले हैं। तो वो बोलता है कि उसको जैसे जब पूछते हैं कि तुम्हारी क्या है आखिरी इच्छा, तो वो बोलता है कि मुझे मेरी माँ को मिलना है। तो फिर वो माँ को बुलाते हैं और फिर जैसे ही माँ आती है वो अपने माँ के पास जाता है और उसके कान को बहुत जोर से काटता है कि पहली बार जब मैंने वो इरेजर लाया था उस वक्त अगर तुम ये बोलती कि ये सही बात नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए, गलत है, दूसरों का लेना गलत है, तो आज मुझे ये नहीं फेस करना पड़ता। और ये बोलता है वो कि उस वक्त मुझे तो नहीं समझता था मगर तुमको तो समझता था, यू कुड हैव प्रिवेंटेड मी फ्रॉम बिकमिंग अ बैड पर्सन, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं ऐसा बना हूं और अब देखो मैं मुझे फांसी मिलने वाली है। अब ये कहानी जब आप बच्चों को बताते हैं तो शुरू शुरू में उनको भी बड़ा मजा आता है, अरे वाह इरेजर लेके आया, अरे वाह कंपस लेके आया। बट ये जो है कि कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताना, दिस इज इफ यू टेल दिस वे, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चे को अगर कुछ टेम्पटेशन होता भी है स्कूल में या कहीं पर भी तो वो दो बार जरूर सोचेगा गलत कुछ करने से पहले। यही तो संस्कार है, यही संस्कार है। और ये थ्रू स्टोरीज बहुत अच्छे से उनको, और बच्चे इतना अच्छे से सुनते हैं पेरेंट्स का जब वो इतने छोटे होते हैं, तो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ एक्चुअली कम्युनिकेटिंग द वैल्यू सिस्टम दैट यू वांट टू इम्बाइब इन देम। मैम ये जो कौन सी कहानी सुनाए, हाँ ये भी तो मैम एक बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन होगा। हाँ अभी हम जी अभी हम देखते हैं कि बट स्टिल अभी भी हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड जो शोज होते हैं या कार्टून जो होते हैं वो हैं, बट इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व ये जो डिज्नी पिक्सर के जो मूवीज होते हैं, फिर वो अप जैसी मूवी हो सकती है या एक इनसाइड आउट करके मूवी आई थी जो बहुत ही हाईली इमोशनल इंटेलिजेंस पे मूवी है, या फिर आप थोड़े से बीच में जो आए हुए मूवीज थे जैसे फाइंडिंग नीमो है या टार्जन है या कोई भी डिज्नी पिक्सर की जो मूवीज है, इफ यू रियली लुक क्लोजली एट इट दे आर हाईली इमोशनली रिच मूवीज। उसमें वो जो मतलब वो कार्टून कैरेक्टर है लेकिन उसके आंखों में जो वो टीयर्स दिखाते हैं और जिस तरीके से वो उसको प्रेजेंट करते हैं, इट बिल्ड्स अ लॉट ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट इन द चाइल्ड। तो ऐसे स्टोरीज बताने चाहिए जो इमोशनली रिच हो। मतलब जैसे आप एनिमल्स को तो डेफिनेटली आप एनिमल्स को हमेशा यूज कर सकते हैं स्टोरीज में एज कैरेक्टर्स, और ऐसे मूवीज ऐसे स्टोरीज उनको बताने चाहिए जो वो इजीली रिलेट कर सके, मतलब हमारे डे टू डे एक्टिविटीज वाले। स्टोरी विद मॉरल्स, सी मॉरल्स तो इंटीग्रेटेड होने चाहिए, आखिरी में मॉरल ऑफ द स्टोरी बताने की जरूरत नहीं है। जो भी मॉरल्स हम बता रहे हैं वो उसमें इंटीग्रेटेड होने चाहिए अलग से। अभी जो मैम आपने जो कहानी बताई है ना, वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने पहले भी सुनी है लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग, सबने सुनी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैम इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी तो यही है ना मैम कि चोरी नहीं करनी चाहिए। हाँ मतलब हाँ चोरी नहीं करनी चाहिए या फिर किसी और का सामान पे नजर नहीं रखनी चाहिए, तो ये आखिरी में मॉरल जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं, क्योंकि फिर वो ये हो जाता है कि अच्छा तो वो सिखाना था इसलिए वो स्टोरी बताई है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, वो उनको अपने आप समझ में आ जाता है। एक और स्टोरी है जो मैं हमेशा पेरेंट्स को भी बताती हूँ बताने के लिए, और प्री स्कूल के दौरान भी मैं हमेशा ये बताती थी, प्लीज बताइए मैं बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। हाँ तो वो स्टोरी ये है कि जब मम्मी को बहुत डांटना पड़ता है बच्चों को, काफी बार डांटना पड़ता है क्योंकि वो चाहती है कि वो इस पर्टिकुलर तरीके से डेवलप हो, उसे ऐसे नहीं करना चाहिए ऐसे करना चाहिए, तो ऐसा होता है कि उनको डांटना पड़े। लेकिन अब आपको बच्चे को ये बताना है कि मैं जब तुमको डांट रही हूँ तो मुझे भी बुरा लग रहा है जी। और अगर ये मैं थ्योरेटिकली बताती हूँ कि मैंने तुमको डांटा उसका मुझे बहुत बुरा लगा, तो वो एक मैटर ऑफ फैक्ट जो मैं बता रही हूँ उसका कितना असर होता है एज कम्पेयर टू द वे नाउ आई टेल यू हाउ टू टेल अ स्टोरी ऑन दिस। कि एक माली है और वो एक पौधा लगाता है गार्डन में, और वो पौधा बहुत फटाफट बड़ा हो जाता है, और फिर वो बहुत इधर उधर उसके ब्रांचेस स्प्रेड हो जाते हैं, बहुत इधर उधर पत्ते हो जाते हैं,
और शुरू में जब वो छोटा होता है पौधा, तब आने जाने वालों को वो पौधा बहुत अच्छा लगता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और आते जाते लोग बोलते हैं कि अरे वाह कितना सुंदर पेड़ लगाया माली ने, कितना अच्छा दिख रहा है, कितना सुंदर पौधा है। जब उसको कोई डायरेक्शन नहीं मिलता बढ़ने के लिए जी, तो वो पौधा इधर उधर फैलते जाता है और बढ़ते जाता है। अब वो माली को लगता है कि ये तो बिल्कुल ही डायरेक्शनलेस हो गया, अभी इसको मुझे तो सुंदर बनाना है, इसको मुझे अच्छा बनाना है, ऐसा बनाना है कि ये लोगों को भी अच्छा लगे और इसको खुद को भी एक अपना उसका कैरेक्टर हो। इसलिए वो क्या करता है कि वो एक बड़ी सी कैंची लाता है और वो उसके ब्रांचेस काट रहा है जी। और जब वो ब्रांचेस काटता है तो उसको बड़ा दुख होता है मन में कि मैंने ही लगाया हुआ पौधा है मगर अब मैं इसको दुख दे रहा हूं, तो उसको बहुत बुरा लगता है जी। लेकिन फिर भी वो काटते जाता है और फिर वो झाड़ ऐसा शेप लेता है जो सबको बहुत पसंद आता है और फिर उसको प्राइज भी मिलता है वो ट्रीज के कॉम्पिटिशन में। तो ये जब स्टोरी हम बताते हैं तो ये बच्चों को ये बताने की जरूरत उस वक्त नहीं होती है कि मैं माली हूं तुम पौधा हो, और वो अपने आप को बराबर वो। और ये जब मैं बताती थी तो मेरे खुद के बेटे ने मुझे ये सवाल पूछा था कि अगर उसको इतना ही बुरा लग रहा है तो फिर वो काट क्यों रहा है। I'm sure question चाहते होंगे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। तो इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जरूरी है, वो काटना जरूरी है, नहीं तो उसमें वो पेड़ का नुकसान है। बिल्कुल। तो जब एक माँ बच्चे को जब डांटती है और उसको बुरा लगता है, इट इज बिकॉज दे कैन रिलेट देमसेल्फ्स टू इट, टू दैट सिचुएशन जी। तो ये बताना बहुत जरूरी कि उस वक्त बुरा लगता है मगर इट इज माई जॉब टू डू इट। अगर मैंने वो नहीं किया तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो ये एक उनको बताना और बहुत ही प्यार से ये बताना, उसमें एक उनकी अपनी पर्सनालिटी बनते जाती है ये स्टोरीज के थ्रू, दे रिमेम्बर दी स्टोरीज। मैम ये जो बात आपने कही कि ये इमोशनल डेवलपमेंट के लिए स्टोरी टेलिंग इज अ ग्रेट टूल, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई और भी ऐसी चीजें हैं जिसके यू नो स्टोरी टेलिंग जिसको मदद करती है बच्चों के लिए? बहुत सारी चीजें हैं एक्चुअली स्टोरी टेलिंग से। देखिए अगर जब हम हमारे लैंग्वेज में स्टोरीज बताते हैं तो सबसे पहले तो लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चों का बहुत अच्छा होता है। जो लैंग्वेज का आर्टिकुलेशन है, मतलब एक ही वर्ड को अलग अलग तरीके से जब हम बोल रहे हैं तो वो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। बच्चों का एक्सप्रेशन पावर बहुत बढ़ता है उससे। और तीसरा ये है कि जब हम किसी पर्टिकुलर कल्चर की स्टोरीज बताते हैं तो उसमें जो एक कल्चरल ट्रेडिशंस जो हमारे, जैसे आम के पेड़ पे चढ़ना जी, मतलब जैसे समर हॉलीडेज में, तो जब आप ये चीजें उनको बताते हो तो अपना कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड भी आप उनको एजुकेट कर रहे हो, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है बताने का। अगर आप एक बुक उनके पास लेके बैठोगे कि हमारे कल्चर में क्या क्या है तो दैट विल बी सो बोरिंग जी। तो उससे बेहतर ये है कि थ्रू स्टोरीज अगर आप उनको हमारे पूरे कल्चरल एस्पेक्ट हम उनको समझा सकते हैं। जैसे हमारे स्टोरीज में ऋषि मुनि होते हैं, राजकुमार होते हैं और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जी। तो उससे मतलब उसमें अलग अलग इमोशंस हम उनको बता सकते हैं। तो जो एक कल्चरली रिच कॉन्टेक्स्ट जो है वो भी हम उनके लिए क्रिएट कर सकते हैं कि हमारे कंट्री में ये रीजन में आप उनको ज्योग्राफिकल नॉलेज दे सकते हैं कि यहाँ पर कहाँ पर कैसा है, कहाँ बहुत ठंडा हुआ करता है और कहाँ, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हम उनको बता सकते हैं। लेकिन मेन मुझे लगता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट भी एक है और उनका एक्सप्रेशन डेवलपमेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, इंटरपर्सनल रिलेशंस है, ये सारी चीजें उसमें है। मैम ये जो स्टोरी टेलिंग वाला जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये जो आर्ट एंड साइंस है, ये मैम कौन सी उम्र तक सीमित रहता है? इसको कोई उम्र नहीं है। हम भी आज हम टीवी पे देखते हैं तो क्या देखते हैं, हम किसी की कहानी तो देखते हैं जी। इसको देयर इज नो एंड टू इट। और शुरू कब से होना चाहिए? जितने जल्दी हो सके होना चाहिए। उससे एक ही उसमें फर्क ये हो सकता है कि जो बिल्कुल छोटे बेबीज हैं उनको जो आप कहानी बताएंगे वो बहुत छोटी होगी, उसमें साउंड ज्यादा होंगे जी। जैसे एनिमल्स के जो साउंड्स होते हैं वो ज्यादा होंगे उसमें, उसमें एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा होंगे, उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ज्यादा होगा जब आप उनको वो बताएंगे बेबीज को जी, जिससे वो खुद फिर आपको इमिटेट करने की कोशिश करेंगे।
और उसमें भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आप कोई एनिमल का साउंड आप जैसे बेबीज को सुना रहे हैं तो यू हैव टू वेट वहां पर। आप तुरंत अगर टॉपिक चेंज कर देते हो तो वो उनका जो इमिटेशन वाला जो एस्पेक्ट है उसके लिए उनको टाइम लगता है जी, क्योंकि वो नया नया सब सीख रहे हैं ना। अगर आप वहां पर होल्ड ऑन करके रखेंगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड दैट दे आर एक्चुअली इमिटेटिंग। वो भी साउंड्स निकालने की कोशिश करते हैं, वो भी बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतना पेशेंस वो पेरेंट के पास होना चाहिए कि एक चीज उनको देने के बाद उनको बताने के बाद दे होल्ड ऑन देयर, दे वेट फॉर सम टाइम। इफ दे वेट रियली पेशेंटली उनको जो रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो उनको लाइफ भर याद रहेंगे, ऐसे उनको रिवॉर्ड्स मिलेंगे बिकॉज द बेबी रिस्पॉन्ड्स इन अ सिमिलर मैनर, दैट इज हाउ दे लर्न। और वो बहुत फास्ट होता है उनका ग्रोथ, दैट इज हाउ दे लर्न। तो उसको कोई इधर भी कोई उसकी सीमा नहीं है कि कब शुरू करना चाहिए, सिर्फ आप जो उनको बताते हो जो कंटेंट बताते हो वो एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। पर कहानियां तो आप बिल्कुल शुरू से ही बहुत ही बेबीज है तब से आप सुनाना शुरू कर सकते हो, और उनपे जो हमारा इन्फ्लुएंस जो है जी, वो अप टू 10 ईयर्स, अभी तो वो एज भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, पर अप टू 10 ईयर्स आप उनको कॉन्सिक्वेंसेस कॉज एंड इफेक्ट की जो चीजें हैं वो थोड़ा सा ड्यूरिंग द लेटर एजेस जैसे 8 साल के हैं 9 साल के हैं जी, तो उनको उनके कुछ करने से उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये थ्रू स्टोरीज अगर आप उनको बताए तो वो उनको बहुत अच्छा लगता है, वो उनको समझ में आता है, दे कैन रिलेट टू इट, दे कैन एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट इन देयर ओन लाइव्स। जैसे जैसे टीन एज आता है तो टीन एज के बाद वो थोड़ा डिस्कनेक्ट शुरू होता है, तो उसके बाद तो हर चीज उनको प्रीची लगने लगती है जी। तो आपके पास पहले 10 साल है मैम, मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चा छोटा होता है और माँ के पास उतना वक्त होता है, माँ या मॉम या डैड दोनों, मदर या फादर, और अगर वो इस किस्म के आर्ट एंड साइंस ऑफ स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करें तो मैम एक और बॉन्ड क्रिएट होता है बिल्कुल बच्चे के साथ, बिल्कुल, बिल्कुल। और मैम वो बॉन्ड जो है ना मैम, उसको कंसर्न, लव, एम्पैथी, ये सब शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, भंडार होता है, बिल्कुल, है ना। और शायद यही वो एक ऐसा आर्ट एंड साइंस है जिससे आप एक गुड पेरेंटिंग हुड की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको अगर उनको डिसिप्लिन लगाना है, आपको अगर उनको कोई बिहेवियर सिखाना है तो उससे रिलेटेड आप स्टोरी बना के बताइए उनको, वो बहुत जल्दी उसको पकड़ लेंगे और वो अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, छोटे बच्चों का एक और ये होता है कि उनको सेम स्टोरी चाहिए होती है, और वो जो आप तरीके से वो बता रहे हो वो उसी तरीके से उनको चाहिए होता है कि वो वैसे ही सुनते जाए डेली बेसिस पे, उनको वैसे ही अगर आपको एक आध दो सेंटेंसेस उसमें मिस कर दो जी, तो वो आपको याद दिलाते हैं कि तुमने ऐसा नहीं बोला, तुमने ये नहीं बोला इसमें आज, तुमने वो मिस कर दिया, वो बताते हैं। तो उनका बहुत ध्यान होता है उसमें। मुझे लगता है ये जो पेशेंस डेवलपमेंट है, ये जो क्यूरियोसिटी है कि क्या होने वाला है आगे, मुझे लगता है ये सारे एस्पेक्ट स्टोरी टेलिंग के बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैम, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए खत्म कहानी, इससे भी ज्यादा कहानियां है जो जिसकी कला और जिसका जिसका साइंस हमने सीखना चाहिए, और अगर उसको उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको बहुत बारीक तरीके से करना चाहिए, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को जब आप ये कहानियां सुनाते हैं तो वो सिर्फ आप बच्चों को नहीं सुनाते, वो आप खुद को भी एक तरीके से एक वापस एक रिविजन करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। उम्मीद है कि आज ये इंटरव्यू हजारों लोगों तक पहुंचे और वो हजारों परिवार इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, जिसके बाद ना ही सिर्फ उनके बच्चे की जिंदगी लेकिन उनकी जिंदगी में भी बदलाव आए। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। सुपर। और एक और बात जो मैं बताना आपको भूल गया, वो ये है कि जब आप अपने बच्चे को कोई कहानी सुनाते हैं ना तो वो बच्चा जाके किसी और के बच्चे को भी वो कहानी सुनाता है, और ये जो कहानी सुनाने का जो सिलसिला है ये दो लड़कों के बीच या दो लड़कियों के बीच भी बहुत गहरी दोस्ती बनाता है। तो देखिए, बाय द एंड ऑफ द डे शब्द ही हैं जो एक दूसरे से एक दूसरे को करीब और एक दूसरे को दूर कर सकते हैं, बातें ही हैं जो लोगों को इकट्ठा और लोगों को अलग अलग कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज ये जो पूरा शो है ये ना ही सिर्फ
हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन उन सभी के लिए जो आने वाले वक्त में भारत की तकदीर लिखेंगे। क्योंकि हम अगर उनको वो कहानियां सुनाएंगे जिसमें ना ही सिर्फ एक स्ट्रगल है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कहानियां भी उनको सुनाना जरूरी है जहां पर समर्पण है। और वो समर्पण घर के प्रति हो सकता है, शहर के प्रति हो सकता है, देश के प्रति हो सकता है, या अपने कर्म के प्रति हो सकता है। आपसे फिर होगी मुलाकात में राज की बात, तब तक कहानी सुनाते रहिए, जिंदा रहिए। जय हिंद।